हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो फॉल प्रोटेक्शन के ऊपर है, कंस्ट्रक्शन साइट्स में कैसे हम फॉल प्रोटेक्शन मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी हाइट पे वर्क कर रहे हैं तो फॉल प्रोटेक्शन जो है वो रखना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। अब हम फॉल प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए, गार्ड रेल्स लगा सकते हैं, टो गार्ड रेल्स लगा सकते हैं। ये रेलिंग्स के बारे में बात होगी। जो गार्ड रेल्स होती हैं, टो बोर्ड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, फ्लोर ओपनिंग होती है, वॉल ओपनिंग होती है, गैंगवे रहता है, ये सारी चीज़ें कैसे, क्या हम कैसे सेफ्टी रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकता है ना कि जैसे मान लीजिए आप वर्क कर रहे हैं या कुछ भी है, आपका कोई, जैसे जैसे आपने हार्नेस पहना है वहाँ कुछ लूज़ हो गया या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आई तो आपकी लाइफ तो खतरे में जा सकती है ना। देखिए, सबसे ज़्यादा जब आप हाइट पे वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अवेयर रहना होगा। नीचे जब भी आप हाइट पे वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले तो वही प्लेटफॉर्म यूज़ करें जहाँ गार्ड रेल्स हो। इन केस आप गार्ड रेल्स नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो जो लाइफ सेविंग जो हार्नेस रहता है, लाइफ सेविंग हार्नेस, वो आप वेयर करें जिससे कि आप बच सकें ऐसे एक्सीडेंट होने से। तो जो फॉलिंग प्रोटेक्शन जो है वो पर्टिकुलर इसीलिए बताया गया है कि हाइट पे जब वर्क हो रहा है तो हम कैसे खुद को बचाएं, कैसे हम सेफ्टी रख सकते हैं, है ना। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरीके से रहता है, टॉप रेल, मिड रेल, टो बोर्ड, ठीक है। फॉल हैजार्ड वुड, वुड का ये रहता है इस तरीके से, इनमें रेल्स लगी होती हैं, गार्ड रेल्स जो है वो एक टॉप, एक स्टेज वाइज लगे रहते हैं। पहले टो बोर्ड रहता है, ठीक है, उसके बाद मिड रेल, टॉप रेल रहता है, ठीक है। इससे क्या है, आप कहीं भी कोई भी हाइट पे वर्क कर रहे हैं, आप जब केयरफुली वर्क कर रहे हैं और इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर रह के वर्क कर रहे हैं तो आप वर्क भी केयरफुली कर पाएंगे और एक्सीडेंट्स भी नहीं होंगे, ठीक है। अभी डिपेंड करता है आप कैसे वहाँ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप हाइट पे वर्क कर रहे हैं तो आप इस तरीके से वर्क करें, ऐसे सेफ्टी मेंटेन रख के वर्क होगा तो कभी भी आपका एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का पहले एक स्टेज रहती है, टो बोर्ड, जिससे कि आप सेफ रहें। मिड रेल, टॉप रेल तक जो रेल्स रहती हैं, गार्ड रेल्स जो रहती हैं, वो लगी हुई होना चाहिए जिससे कि क्या होगा, एक्सीडेंट होने से आप बच सकें। साथ ही फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इससे क्या है, जब आप जो भी वर्क कर रहे हैं वो और ज़्यादा सेफ्टी से हो पाए, इनकेस आप गिर भी जाते हैं तो आपको कोई नुकसान ना होने पाए, तो इसलिए ये फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम यूज़ किया जाता है, ठीक है। फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो देखिए बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइट पर वर्क करने के लिए, पूरी सेफ्टी इसके अंदर मेंटेन रहती है, सारी चीज़ें इसके अंदर ऑल ओवर हो जाती हैं। पीपी इसके अंदर जब हाइट पर वर्क करते हैं तो ये भी एज अ पीपी ही काम करता है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए कि इस तरीके की जब भी ज़्यादा हाइट पर आप वर्क कर रहे हैं तो आप ऐसा करें कि ऐसी चीज़ें यूज़ करें कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट ना होने पाए। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन फॉल प्रोटेक्शन में आप ऐसे कर सकते हैं, फॉल अरेस्टर लगा होगा तो आप इस तरीके से बच सकते हैं गिरने से, है ना। पोजीशनिंग हो जाएगी आपकी, देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये बेसिकली ये शो कर रही हैं कि अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे वर्क करना पड़ रहा है तो वहाँ भी आप सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं। पर तभी सेफ्टी मेंटेन कर पाएंगे जब आपको हाइट पे वर्क करने के लिए परमिट इशू हो, क्योंकि जब परमिट इशू होगा तो उससे पहले JSA किया जाएगा, JSA यानी जॉब सेफ्टी एनालिसिस। एनालिसिस में ये चेक कर लिया जाएगा क्या वो प्लेटफॉर्म वर्क करने के लिए है या नहीं, क्या वो स्ट्रांग है, क्या यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं होने पाएंगी। इन सब का ध्यान रखने के लिए इस तरीके का JSA किया जाता है, तब वर्क परमिट इशू किया जाता है, ठीक है। अब हाइट की बात है तो हाइट पे वर्क वही करेगा जिसे एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस्ड बंदा ही काम करेगा ना, जिसे पता ही नहीं हाइट पे जाना कैसे, कैसे पहुंचना है तो वो क्या काम करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कंस्ट्रक्शन साइट में होता है बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप गार्ड रेल वाला प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, इस तरीके से जैसे ये बैठा हुआ है इस पिक्चर में, इस तरीके से भी वर्क करना पड़ सकता है। तो उसमें यही है कि आप फॉल अरेस्टर यूज़ करें जिससे कि आप गिरने से बच सकें, है ना। तो ये जो है वो सेफ्टी से पूरा रिलेटेड है कि आपके अगर खुद आप सेफ्टी मेंटेन रखेंगे तो ही आप सेफ रह पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये अटैचमेंट पॉइंट है फुल बॉडी हार्नेस का, ठीक है। ये डीरिंग जिसे कहा जाता है, सेंटर ऑफ योर अपर बैक जो है उसका ये सेंटर होता है, ठीक है। ये आपको प्रॉपरली फिट है या नहीं है साइज़, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपका जो फुल बॉडी हार्नेस है ये आपको बहुत सेफ रखता है, फॉल अरेस्टर इसे बोला जाता है, फॉल अरेस्टर सिस्टम,
पर्सनल फॉर अरेस्टर सिस्टम्स का पूरा नाम है। फुल बॉडी प्रोटेक्ट आपका ये करता है, पूरी फुल बॉडी प्रोटेक्ट हार्नेस है। इस तरीके से वर्क करता है कि अगर इन केस आप कहीं बहुत ज़्यादा हाइट पे वर्क कर रहे हैं और आप गिरने वाले हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से बचा लेगा। ठीक है, तो देखिए हाइट पे वर्क करना बहुत ही टफ है, इसको हर कोई नहीं कर सकता है, पर आप अगर कर रहे हैं तो आपको सेफ्टी मेंटेन रखनी होगी तो ही आप ये वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको फॉलिंग प्रोटेक्शन के बारे में समझाया। कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत जो होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉल्स ऑफ पर्संस है, ये गार्ड्रिल्स और टोबोर्ड से आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं अपनी सेफ्टी, कैसे आप हाइट पे वर्क तो कर सकते हैं पर बिना किसी एक्सीडेंट के। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि आपको ये सारी चीज़ें अवेयर तभी होंगी जब आपको इन सब के बारे में ट्रेनिंग होगी, है ना। हाइट पे कैसे वर्क करना है, कैसे पीपीज यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो जब भी आपका ऐसा कोई वर्क है हो रहा है तो अपनी ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग सेशंस है वो आप कम्प्लीटली करें, तो इस तरीके से क्या सेफ्टी मेंटेन हो पाएगी। और सेफ्टी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर सेफ्टी रहेगी तो ही हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको इस टॉपिक के बारे में समझाया। सो थैंक यू।